आप देख रहे हैं लाइव है सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ ही नजर आते हैं। मुगलसराय शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामजी गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस की शानदार जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान अपहरण से कांग्रेस कार्यकर्ता काली महाल कार्यालय पर एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। खुशियों से लबरेज कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच कांग्रेस के समर्थन में व राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। एक दूसरे का मुँह मीठा कराकर कांग्रेस जनों ने मिठाई भी बांटी व आतिशबाजी की। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं पंजाधारी नारों के साथ कांग्रेस जनों ने जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया। तदुपरांत कांग्रेस अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने कहा कि यह जीत जनता की जीत है। जनता ने यह साबित किया है कि जिन्हें तुम आज तक पप्पू कहते रहे, जनता ने यह साबित किया कि देश का चौकीदार चोर है। जनता भाजपा के नीतियों से करा रही थी। जनता ने कांग्रेस को 2019 का विकल्प चुन लिया। अब देश में जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है। जनता यह मान लिया कमल का फूल बहुत बड़ी भूल थी, यह भूल अब नहीं दोहराना है। देश की जनता विकास चाहती है, धर्म जाति के चक्कर में न पड़ जान जनता महंगाई भ्रष्टाचार जुमलेबाजी से निजात चाहती है। इस दौरान शहर अध्यक्ष रामजी गुप्ता, हीरा लाल शर्मा, अशोक यादव, डॉक्टर जी के पांडे, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, शाहिद तौसीफ, नंदगोपाल सिंह, संतोष तिवारी, नवीन पांडे, विजय गुप्ता, अकील अहमद, निहाल अख्तर बाबू, राजू अरोड़ा, कमरूल बारी, उदय चौहान, नंदलाल गुप्ता अंसारी, प्रमोद मौर्य, शहनवाज, अश्विनी कुमार, गणेश गुप्ता, सुनील कुमार प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। इतनी खुशी है जिसे जो बखान नहीं किया जा सकता। आज ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता ने जो निर्णय लिया वो पूरे देश का निर्णय 2019 में होने वाला है। क्या किया है आप लोगों ने आज? आज हम लोग कांग्रेस की जीत के खुशी में हम लोगों ने जो मुगलसराय शहर कांग्रेस कमेटी के काम कार्यालय के जुलूस निकाला जो जुलूस भ्रमण करते हुए बैंड बाजे के साथ, मिठाइयों के साथ पूरा नगर भ्रमण किया और लोगों को जीत की बधाई देते हुए आतिशबाजी भी किया गया है। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टेस्टी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।